चैनल, मैं थोड़ी आपको बैक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो का सरप्राइज कैसे प्लान हुआ था. तो बिफोर द वीडियो टू डेज अगो जसलीन कॉन्टैक्टेड मी एंड टोल्ड मी दैट आई एम कमिंग टू इंडिया. सो शी सेड दैट वी कैन सरप्राइज ध्रुव. वो मेरे को भी सरप्राइज़ करना चाहती थी बट मैंने क्यूरियोसिटी में उससे पूछ लिया और उसने बता दिया कि वो आ रही है इंडिया. सो वी वॉन्टेड टू सरप्राइज ध्रुव. तो हमने ये प्लान बनाया कि हम उससे मिलेंगे और मैंने ऐसी एक प्लान बनाया कि क्लाइंट मीटिंग है कुछ है बिकॉज वी रन अ बिजनेस टुगेदर. सो ही वुड बिलीव दैट एंड दैट्स वाई दैट्स हाउ वी मेड द वीडियो पॉसिबल. एंड बैक स्टोरी बतानी थी थोड़ी तो आपको बता दी. और मैं स्पेशली बजट इतना ज़्यादा है कि स्पेशली आपको बताने के लिए मैं हिमाचल आया हूँ मनाली के अंदर. तो जस्ट किडिंग, एक्चुअली वी आर डूइंग अ इंडिया टूर. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ऑफ द सरप्राइज ऑफ ध्रुव नागपाल द सेकेंड टाइम that we did, so do also watch our India tour videos. That will be upcoming videos. Aur purani bhi dali hui hai, you can watch them, Mussoorie. And right now we are in Manali, so you can watch the Manali India tour videos. Link would be in the description. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Hey guys, welcome back. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? Very well. So what's the purpose of your visit? Did you tell the viewers that we are here to surprise someone? No, I didn't, not yet. So viewers, here's the plan. I am Jas and I'm Dhruv's Miss Day One. And you know who's Dhruv Nagpal, right? And Dhruvesh is like my Day One's best friend and my Paju. So I'm here to surprise him and he doesn't know that I'm here to surprise him, that he knows that I'm in India. I just came back for a family business, but I also came up with the idea. Unfortunately, Dhruvesh was also a part of my plan that I wanted to surprise him, but you know, I'm so smart, yeah. Your life of shocking is so curious that he started crying, you know, that he wanted to know, he can't sleep. So I was like, look, make my life easier and help me out with Dhruv's surprise. And then, moving on, let's get inside. Let's go. Bye. Let's go. इतना ज़्यादा हम केयर करते हैं ना. He's right there. कोई मीटिंग नहीं थी. शी इज अ क्लाइंट. सो आई हैव टू कम इन लेट. हाउ आर यू? हाउ आर यू? फक. इट्स एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूं. छुट्टी मारी सच में. सीरियसली आवे तूने मेरे को बताया भी नहीं. A surprise is something to make someone stunned, right? And not tell them. Or you mujhe puch rahe ki tere mujhe pata hai. Like, come on. How was the surprise, man? Wait, the surprise se zyada tha? वो तो देख वो तो मुंबई से दिल्ली था. This is from Australia to Delhi. आपको लग रहा हो कि ध्रुव इज इन इट तो ऐसा नहीं है. ध्रुव को कोई आइडिया नहीं था दैट जस्ट इज इन टाउन. उसने देखो स्टोरीज में से भी हटा दिया, प्राइवेट कर दी स्टोरी सारी. देख एक दिन हुआ था वो दो दिन हुए. Just 2 days. Two days. I've been here since 2 days. Oh my God, look at his reaction. He still thinks I'm not here. अबे सही में यार, it's true.
जिससे हमारी मीटिंग थी ना उस लड़के का नाम शुभम था, तो कहता कि शुभम आने वाला था बट अपनी लड़की आ रही है. मैंने कहा अच्छा, कहता कि हाँ ठीक ठाक ही है, ये है वैसा वैसा है, फ्लर्ट कर रही है साथ में, क्या कह रहे फ्लर्ट कर रही है. पता नहीं क्या क्या स्टोरीज बनाई है लिटरली. और मैंने बिलीव, तुझे पता है तू मेट्रो में जब चढ़ा ना, मैंने तेरे को देखा है चढ़ते हुए. आई लिटरली मतलब मैं बैठा हुआ था ना, तूने एक मेट्रो मिस कर दी थी, तू बिल्कुल उधर खड़ा हुआ था गेट पे, और मैं मेट्रो में चढ़ा था तब, एंड आई सॉ यू कि तू गेट पे खड़ा हुआ है. तूने बोला मैंने व्हेन आई टेक्स्टेड यू कि कहाँ पर है, तूने बोला बस एक स्टेशन पर लाजपत नगर आ गया, एंड आई विल चेंज फ्रॉम देयर. एक स्टेशन में बोला, इतनी जोर से थप्पड़ मारेगा. तूने बोला 15 मिनट्स अप्रोक्स, एंड आई वाज लाइक मैं दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस में हूँ, तो तू मेरे से तो नारायणा भी चढ़ा होगा मुश्किल से. और मैंने सोचा कब चढ़ा है, कह रहा है कब का कब का, कितना झूठा है. जब मैंने देखा बाद में स्क्रीनशॉट मेरा व्हाट्सएप का, ही टोल्ड मी कि ध्रुव का मैसेज आ गया कि वो उठ गया. मैं कहा आई डोंट बिलीव, प्लीज कॉल हिज मदर और हिज डैड, प्लीज देख तू इस चैनल पे दो बार ही सरप्राइज हो चुका है. पहला तेरा बर्थडे था और ये पोस्ट बर्थडे, क्योंकि ये मिस कर दी गई थी बर्थडे. वो तो सरप्राइज था, ये तो शॉक है. ये तो हार्ट अटैक भी हो सकता था. That's not believable because it's in India. I'm coming from way, like from another corner of the world, Australia. And then he texted me that you can you help me with Australian universities. I'm like yeah sure. And last night I texted him that like I tried to call you. I'm on my way to work, so I thought of calling you, but it's okay. Just call me when you're free. तुझे अभी तक बिलीव नहीं हुआ कि इतना इग्नोर क्यों कर रही है आजकल जसलीन मुझे? I swear, मेरे को रात को इसने मेरे को बोला कि I'm busy somewhere, this that, you, so I'll call you later. मैंने कहा यार जसलीन ने कभी ऐसे तो नहीं बोला, मतलब जब भी उसको बोलो she calls या बात क्यों करती है एटलीस्ट, बट मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा. फिर मैंने कहा चलो आंखों में नमी, सच में काम में बिजी हूँ, बट फिर मुझे नहीं पता था, प्लानिंग में बिजी थी. So guys, you can see from the start to the end of the video, this expression would be like this. Dhruv, snap out! Dhruv, hi! I'm actually here! Can you please pinch him? Pinch? No, you're doing it like this. What the fuck? It's not fixed emotion, it's like he's... पहले तो इमोशन लेस था, देखते ही से फॉर सेकंड व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज़ इट वाज जस्ट ही जस्ट वेंट नम, ही लाइक क्या हो रहा है यहां पे, नो एक्सप्रेशन एट ऑल. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या मैं रो हूं. थ्रू मी हाय अंडर हो गए. Man, we did it. We did it. Yeah, we did it. We did it. Vlogging each other. So hey guys, welcome back to the channel. And we have surprised Dhruv successfully, right? Yes, yeah, we did, but man. Actually he did not got surprised. He just quoted in the video that he got shocked. I stunned. Was really yeah. Shocked. Yeah. And this idea is the second like part like where we surprised him. First was his birthday, that was like what, 4 months ago? Yeah. And now it's like October. Yeah. I was literally shocked. Like I had no idea that Jasleen was coming. I thought we were going for a meeting and I was so blind. shocked. Yeah, like blind. Even blind. Guys, future alert, if you want Dhruv Nagpal to be on time for business, okay, that won't help. But if you want him on time, please tell him that you have to come an hour early so that he is exactly on time. I'm so fucked up that he's my partner. I think my business would go down now. All right guys, please swipe up, subscribe, like and share, and we love you. Bye. Subscribe to LOS.